नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 9971 मामले, 287 मरीजों की मौत। उधर कोरोना का खौफ, 230 स्पेशल ट्रेनों में से ज्यादातर चल रही खाली, यात्रा से परहेज कर रहे लोग। उधर स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो इन चीजों के इस्तेमाल पर रहेगी रोक, जानिए आपके बच्चों को क्या करना होगा। उधर आपदा और आशंकाओं के बीच भाजपा ने छेड़ा चुनावी राग, अमित शाह की ऑनलाइन रैली आज। उधर जल्दी फुल करवा लें अपनी गाड़ी की टंकी, इस राज्य में भी बढ़ने वाले हैं पेट्रोल डीजल के दाम। उधर भाजपा में शामिल हो रहे विधायकों पर भड़के हार्दिक पटेल, कहा ऐसे लोगों को चप्पलों से पीटना चाहिए। उधर अनलॉक वन में मंदिरों के लिए ऑनलाइन बुकिंग, रेस्टोरेंट में मेन्यू भी ऑनलाइन मिलेगा। उधर अगली बड़ी खबर में, कोरोना संकट में दो तिहाई श्रमिक शहरों में फंसे, पैसे हुए खत्म। उधर गुजरात में कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद होटल में रखे गए 65 विधायक। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9971 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस के मामले 2,46,929 हो गए। आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 287 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 6,929 हो गई है। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना का खौफ, 230 स्पेशल ट्रेनों में से ज्यादातर चल रही खाली, यात्रा से परहेज कर रहे लोग। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खौफ से लोग घरों में बैठने को मजबूर हो गए हैं। गर्मी के दिनों में अमूमन लोग पर्यटन के ख्याल से घर से निकलते थे, लेकिन बच्चों की छुट्टियां होने के बावजूद भी लंबी दूरी की यात्रा से बच रहे हैं। अभी तक इतिहास में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि ट्रेन से यात्रा करने की मारामारी नहीं है, जबकि ट्रैक पर महज 230 स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जा रही है। नई दिल्ली से अन्य रूट के लिए चलने वाली ट्रेनों में तो भीड़ है, लेकिन वापसी में आने वाली ज्यादातर ट्रेनें खाली आ रही हैं। रेल मंत्रालय और ट्रेन चलाने की तैयारी में तो है, लेकिन यात्रा करने वालों का कोटा देखकर संभव है कि कम ही ट्रेन पटरी पर उतरे, क्योंकि ना तो लोग पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल और ना ही छुट्टियां बिताने के लिए अपने गृह प्रदेश जाने को तैयार है। हाँ, इतना जरूर है कि जिसे काफी आवश्यकता है वही ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं। पूर्वांचल की तरफ जाने वाली ज्यादातर ट्रेन में आरक्षित बर्थ जुलाई महीने में खाली है। अगर आप चाहें तो आसानी से आरक्षित बर्थ बुक करा सकते हैं। हालांकि प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग टिकट मिल रहा है। आपको बता दें कि इतना भी ज्यादा वेटिंग नहीं है कि वह कंफर्म ना हो सके। पूर्वांचल दिशा की तरफ जाने वाली ट्रेन की बात करें तो कानपुर जाने वाली ट्रेन, जिसमें नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन शामिल है, इस ट्रेन में आरक्षित टिकट आसानी से बुक हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज ट्रेन में वैसे तो 14 जून तक फुल है, लेकिन महज 4 से 5 वेटिंग ही आ रही है। आप चाहें तो इनमें टिकट प्राप्त कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो इन चीजों के इस्तेमाल पर रहेगी रोक, जानिए आपके बच्चों को क्या करना होगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए जब भी शिक्षण संस्थान खुलेंगे तो छात्रों और शिक्षकों को एक दूसरे के खाने और सामान का इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक वन में शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। राज्य सरकारें जब चाहें जब स्कूल कॉलेज खोल सकती हैं। केंद्र ने स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए कोरोना से बचाव को लेकर अपनी आधिकारिक वेबसाइट MyGOV पर क्या करें, क्या ना करें और किन कार्यों पर रोक रहेगी की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इसके तहत स्कूल या कॉलेज परिसर में एक दूसरे से बिना हाथ और गले लगे मिलना, कम से कम 1 मीटर की दूरी, हर समय मास्क लगाना जरूरी बताया गया है। आपको बता दें कि साथ ही यह भी कहा गया है कि दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले मास्क का इस्तेमाल किया जाए। परिसर में रहने के दौरान हर थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोना या फिर हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। बार बार अपने हाथों से चेहरा या फिर मास्क ना छुएं। घर पहुंचने पर मोबाइल, चाबी या फिर अन्य सामान को सैनिटाइज से साफ करें। आपको बता दें कि किसी भी सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप समूह पर कोरोना वायरस संबंधी संदेश को भेजने से पहले उसकी जांच करें। यदि कोरोना वायरस संबंधी कोई भी लक्षण दिखे या तबीयत खराब हो तो 1075 यानी 1075 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर तुरंत मदद मांगे। आपको बता दें कि कैंटीन, प्रार्थना सभा या फिर अन्य जगह पर भीड़ लगाने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर रोक जारी रहेगी। वह अगली बड़ी खबर, जल्दी ही फुल करवा लें अपनी गाड़ी की टंकी, अब इस राज्य में भी बढ़ने वाले हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अनलॉक 1.0 में अब सभी राज्यों को अपने नुकसान की बात सताने लगी है। ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन के बीच हुए आर्थिक नुकसान के लिए पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है, लेकिन इस बीच कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अब तक दाम नहीं बढ़ाए थे, लेकिन अब उन्हें आर्थिक
नुकसान का दर्द सताने लगा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों पर मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट बढ़ाने पर विचार कर रही है। गुजरात सरकार अभी पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 21% कर वसूल करती है। इसमें से 17% वैट और 4% उपकर है। आपको बता दें कि पटेल ने कहा कि गुजरात में वैट की दरें और ईंधनों की कीमतें दोनों देश में सबसे कम है। उन्होंने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा कि हमने माल एवं सेवा कर यानी GST के संग्रह में गिरावट के कारण महत्वपूर्ण राजस्व खो दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण व्यवसाय बंद थे। हमने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज जारी करने में अतिरिक्त व्यय भी किया है। इसी वजह से हमें पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाना पड़ेगा। वह अगली बड़ी खबर, आपदा और आशंकाओं के बीच भाजपा ने छेड़ा चुनावी राग, आज अमित शाह करेंगे ऑनलाइन रैली। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं भारत में महामारी के बीच विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा आज बिहार में चुनावी बिगुल फूकने जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फेसबुक लाइव पर रैली कर बिहार में भाजपा का चुनावी बिगुल फूकेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि राज्य की 243 विधानसभा सीटों से करीब 1,00,000 लोगों को इस फेसबुक लाइव से जोड़ा जाएगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इसे भाजपा के चुनावी अभियान के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। भगवा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तमाम प्रयासों में जुटी है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण किसी बड़ी राजनीतिक सभा का आयोजन नहीं हो सकता। आपको बता दें कि यह ऑनलाइन रैली भाजपा के 1 महीने चलने वाले अभियान का हिस्सा है। संभावना है कि अमित शाह आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर ध्यान केंद्रित रखेंगे। बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोजपा के साथ गठबंधन है। वह अगली बड़ी खबर, भाजपा में शामिल हो रहे विधायकों पर भड़के हार्दिक पटेल, कहा ऐसे लोगों को चप्पलों से पीटना चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में 8 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने के बाद वहां पर सियासत गर्मा गई है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस के 3 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस तरह विधायकों के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने नाराजगी जताई है और कहा है कि ऐसे लोगों को चप्पलों से पीटना चाहिए। हार्दिक पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि लोग जनता के साथ द्रोह करके पैसों के लालच में साम दाम दंड भेद की वजह से गए हैं। ऐसे लोगों को जनता को अब चप्पलों से पीटना चाहिए। हार्दिक पटेल ने यह विवादास्पद टिप्पणी तब की जब राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 8 विधायकों ने इस्तीफा सौंपा और 1 विधायक के इस्तीफा सौंपने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वह अगली बड़ी खबर, अनलॉक 1 में मंदिरों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू, रेस्टोरेंट में मिलेगा मोबाइल पर मेन्यू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में अनलॉक 1 के पहले चरण में सोमवार से शॉपिंग मॉल्स, सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और ऑफिस खुल रहे हैं। सबरीमाला और महाकालेश्वर मंदिरों में ऑनलाइन बुकिंग के जरिए श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा, तो कई मंदिरों में आरोग्य सेतु ऐप या फिर आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। होटल, रेस्टोरेंट भी आधी क्षमता पर चलेंगे। देहरादून के कई रेस्टोरेंट में QR कोड स्कैन कर ग्राहक मोबाइल पर मेन्यू देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश में शनिवार को मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी किए। शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे। मॉल के अंदर सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। 8 जून से चारधाम यात्रा सीमित मात्रा में खुलने की उम्मीद है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने सभी यात्रा खुलने की स्थिति में कोरोना से बचाव के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि उधर पटना में 300 साल पुराने महावीर मंदिर में प्रसाद की व्यवस्था तो पूर्ववत रहेगी, लेकिन अन्य नियमों में बदलाव किया गया है। जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नमाजी अलग अलग जमात में आएंगे। चटाई खुद लानी होगी। कई रेस्टोरेंट ने सीटें आधी कर दी है। वह अगली बड़ी खबर, अनलॉक 1 में बढ़ते हुए कोरोना वायरस मामलों से सख्ती के मूड में केंद्र सरकार, दफ्तर बाजार पर नजर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 1 जून से शुरू हुए अनलॉक 1 के दौरान देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्र को विभिन्न राज्यों से जो जानकारी मिली है उसमें इसकी वजह छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सुरक्षात्मक उपायों के दिशा निर्देश पर अमल न हो पाना है। जल्द ही सरकार दिशा निर्देशों के पालन के लिए सख्ती कर सकती है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता, लेकिन छूट के दौरान संक्रमितों की संख्या चिंता का सबब बनती जा रही है। दूसरे देशों में जहां पर लॉकडाउन के बाद संख्या में कमी आई है, वहीं भारत के हालात विपरीत हैं। कोरोना की मृत्यु दर में कमी थोड़ी राहत देती है, पर दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों के हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब ये चिंता बढ़ गई है कि इन पर काबू कैसे पाया जाए। वह अगली बड़ी खबर, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, कोरोना संकट में 2/3 श्रमिक मजदूर शहरों में फंसे, पैसे हुए खत्म। दरअसल दोस्तों आपको
बता दें कि कोरोना महामारी से देश के अलग अलग इलाकों में अभी भी करीब 2/3 मजदूर फंसे हुए हैं। पैसे खत्म होने के कारण मजदूर अपने गांव से उधार पैसे मंगवा रहे हैं। इनमें यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों से जुड़े मजदूर ज्यादा परेशान हैं। आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों की हालत पर हो रही सुनवाई का भी हिस्सा है। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। पश्चिमी हिमालय, पंजाब, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।